ट्यूसडे को फिर निफ्टी की एक्सपायरी होती है, और फिर निफ्टी के एक्सपायरी वाले दिन अगर आपको कुछ ऐसा ट्रेड मिल जाए जो कि डबल हो जाए, जैसे कि 60 रुपये से कहीं ना कहीं 140 रुपये चल जाए, तो वो कैसा रहेगा? इस वीडियो में बात करने वाला हूँ कैसे अपन कैप्चर कर सकते हैं। फिर निफ्टी के ऊपर बात होगा, बैंक निफ्टी के ऊपर बात होगा, और एकदम अच्छे से सेटअप के बारे में बात होगा, इसलिए आप वीडियो में लास्ट तक बने रहें। यहाँ पर मैं कुछ चीज़ आप लोग क्लियर करना चाहता हूँ कि ये ऑप्शन बाइंग स्ट्रेटजी जो है, ये स्ट्रेटजी को आपको यूज़ करना है, और यूज़ आपको कब करना है? यूज़ आपको करना है मोस्टली, अगर आप यहाँ पे देखोगे एक्सपायरी के लिए, मोस्टली आप 00 के लिए देखोगे तो आप यूज़ करोगे 130 के बाद, ठीक है। 130 से पहले ये स्ट्रेटजी आप यूज़ नहीं करोगे। जैसे आज भी मैं लाइव स्ट्रीम किया था तो वहाँ पे आप लोगों को समझाया था कि जो भी आपको 00 ट्रेड लेना है वो 130 के बाद लेना, उससे पहले 00 ट्रेड अपना मत लेना। जो भी स्काल्पिंग छोटा मोटा होगा आप आराम से ट्रेड कर सकते हो, और हमने भी ट्रेड करके अच्छा खासा प्रॉफिट बनाया। मैं सब कुछ आपको दिखाऊंगा, सबसे पहले मैं सेटअप के ऊपर चलता हूँ। इधर मैं फिर निफ्टी का 5 मिनट टाइम फ्रेम चार्ट ओपन कर लिया, इधर मैं एक चार्ट ओपन कर लिया ऑप्शन का, ठीक है। ऑप्शन चार्ट है मैं ओपन किया। अब यहाँ पे आपको देखना क्या है सर? यहाँ पे आपको देखना ये है कि जब मार्केट ऊपर से गिर रहा था तो ये पैटर्न क्या बना के गिर रहा था। कल का वीडियो आपने देखा होगा, कल का वीडियो मैं किसके ऊपर डाला था? लखपति स्ट्रेटजी जो था वो वीडियो किसके ऊपर था कि हमें बस दो सेटअप पे काम करना है। पहला सेटअप हमारा होगा ट्रैप, दूसरा सेटअप हमारा होगा CPR। और मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूँ, ये दोनों सेटअप पे अगर आपका कमांड होगा तो रोज़ आपको कम से कम 30-40 मिनट मार्केट आराम से दिखा जाएगा। वो कैसे दिखा जाएगा? बस आपको ये दोनों सेटअप पे कॉन्फिडेंस लाना है। अब मान लीजिए कि ट्रैप सेटअप जो है, मैं लिखा हूँ, बहुत लोग को अभी तक कन्फ्यूज़न है कि ट्रैप सेटअप होता क्या है। जितने अभी तक वीडियो नहीं देखा या फिर फर्स्ट बार अगर मेरा यूट्यूब देख रहे हो, मैं आपको सजेस्ट करूँगा आप जाइए मेरे यूट्यूब चैनल पर देखिए, आपको ट्रैप के ऊपर कम से कम 4 से 5 वीडियो मिल जाएगा। आप टाइटल चेक करना, थंबनेल मत देखना, टाइटल चेक करना। टाइटल में जहाँ भी ट्रैप अगर आपको दिखेगा वो वीडियो आप देखने की कोशिश करना, आपको बहुत सारा चीज़ समझ में सीखने को मिलेगा यहाँ पे। अब ट्रैप में क्या होता है सर, जैसे मान लीजिए कि मार्केट ऐसे नीचे आ रहा है तो जो भी पुट बायर्स हैं, मान लीजिए कि मैं एक पुट बायर्स हूँ या फिर जो लोग सेल करेंगे मार्केट में, वो कहाँ पे करेंगे? जब ये लो ब्रेक होगा। सिंपल सा लॉजिक है, कोई भी चीज़ का लो ब्रेक होता तभी मार्केट नीचे आने की कोशिश करता है, या फिर कोई भी चीज़ का लो जब ब्रेक होगा तो वो गिर जाएगा। सिंपल लॉजिक है, जैसे एक बिल्डिंग बना हुआ है, स्ट्रक्चर एक बिल्डिंग का बना हुआ है, इसका पिलर जो नीचे, इसे आप तोड़ दोगे, ठीक है, तो ये बिल्डिंग तो गिरेगा ना, कोलैप्स तो करेगा यहाँ से। तो इसी चीज़ को अपन यहाँ पे अप्लाई करेंगे। अब जब मार्केट यहाँ से नीचे आता है, यहाँ ब्रेक होगा, लोग यहाँ पे क्या करेंगे? सेल करेंगे। लेकिन अगर मार्केट यहाँ से रिवर्स करता है और यहाँ पे जो SL लगाए हैं उनका SL खाता है, तो मार्केट यहाँ से फिर बहुत ऊपर तक जा सकता है, ठीक है, समझ गए। और इसमें अगर आप CPR ऐड करोगे तो आपको और कॉन्फिडेंस देगा ट्रेड लेने के लिए। तो वही मैं यहाँ पे आपको समझाने वाला हूँ। जैसे कि आज के दिन अगर आप देखोगे, आज था 25 तारीख, 25 जुलाई का ये चार्ट आपके सामने लगा हुआ, 5 मिनट का टाइम फ्रेम आपके लेफ्ट साइड में दिख रहा। अब मार्केट पहले आपको पुट का ट्रेड दिया, वन साइडेड ऊपर जाता है, एम पैटर्न यहाँ जो दिया था, तो हमने यहाँ पे बैंक निफ्टी में कैप्चर किया था एम पैटर्न। और कितना पॉइंट कैप्चर किया था वो आपको मैं दिखा देता हूँ। मैं टेलीग्राम पर चलता हूँ, हमने ये जो ट्रेड था कितने पॉइंट पर लिया था, जो एम पैटर्न है उसकी मैं बात कर रहा हूँ। हमने एंटर किया था 270 पे हमने ये ट्रेड में एंटर किया था, और वो मार्केट ने हाई कितना लगाया? 450, ठीक है। और भी मार्केट बाद में हाई लगाया था, मैं यहाँ से मार्केट से निकल गया था लाइव स्ट्रीम छोड़कर, सबको प्रॉफिट कराकर। आप समझ लो 270 से मार्केट निकलता है, ठीक है, 270 से मार्केट निकलता है, और मार्केट कहाँ तक जाता है सर? मार्केट जाता है 470 तक लगभग, मतलब 200 पॉइंट मार्केट एक ट्रेड में आपको देता है। और हमने और भी ट्रेड लिया जिसमें अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ। तो कैसे अपन प्रॉफिट करते हैं, सब कुछ मैं यहाँ पे आपको दिखाने वाला हूँ। बाकी लाइव स्ट्रीम जो नहीं देखे उन्हें मैं सजेस्ट करूँगा लाइव स्ट्रीम जाकर आप फिर से देख लेना। आज का जो लाइव स्ट्रीम था उसमें हमने 4 से 5 ट्रेड लिया था, और पूरा ट्रेड मिलाकर हमने 400 लगभग पॉइंट प्रॉफिट यहाँ पे किए। बाकी अगर आपको जुड़ना है हमारे साथ टेलीग्राम में तो आप जुड़ सकते हो, लाइफ टाइम के लिए आपको ग्रुप में एक्सेस मिल जाएगा, लाइफ टाइम का आपको कोर्स मिल जाएगा, और CPR के बारे में आपको बहुत सारा चीज़ में सीखने को मिल सकता है। जैसे कि बहुत लोग आज जुड़े भी हैं, वो उन्हें कोर्स चाहिए और CPR एडवांस CPR कोर्स चाहिए और इंडिकेटर भी चाहिए। तो अगर आपको भी चाहिए जो यूज़ करके मैं प्रॉफिट करता हूँ और ग्रुप में ट्रेड देता हूँ, और बाकी लाइव स्ट्रीम आपको देखना है तो आप सिंपल सा सब्सक्राइब बटन दबाकर बेल आइकन दबा लेना, ताकि जब भी मैं 9 बजे सुबह लाइव आऊँ आपके सामने नोटिफिकेशन चला जाए। इसका फी वगैरह सारा डिटेल यहीं पे। अब फिर से मैं चार्ट के ऊपर चलता हूँ। चार्ट के ऊपर यहाँ पे आपको दिखाने की कोशिश क्या कर रहा हूँ, जब मार्केट नीचे आया तो कल मैं एक सेटअप डाला था जो लखपति स्ट्रेटजी का सेटअप था, उसमें मैं क्या बोला था सर, CPR आपको यूज़ करना है, नॉर्मल यूज़ करना है, नॉर्मल CPR आपको यूज़ करना है, कोई एडवांस CPR यहाँ नहीं रहेगा, और बस आपको ट्रैप यूज़ करना है।
अब आपको समझ में आ रहा है जब सीपीआर से मार्केट नीचे आएगा तो कहां तक आएगा सर, प्रीवियस डे लो S1 तक, ठीक है ये आ गया। अब मार्केट का पहले लो कहां था यहां पे, ठीक है सर, मार्केट नीचे आया, मार्केट ऊपर गया, मार्केट नीचे आया, मार्केट ऊपर गया। अब मार्केट जो हाई बनाया वो कहां पे हाई बनाया, यहां पे, मतलब ये हाई अगर जाएगा तो मार्केट यहां पे क्या होगा, पॉजिटिव, सिंपल सा चीज है सर, ये हाई मार्केट में जाएगा पॉजिटिव होगा। पहला लो मार्केट का यहाँ बना, उसके बाद जो लो बना प्रीवियस लो को ये ब्रेक नहीं किया, जब यहाँ पे ब्रेक नहीं कर पाया तो मार्केट यहाँ से रिवर्स कर सकता, तो यहाँ पे आपका एंट्री बनेगा। और ये लेवल कौन सा है सर, प्रीवियस टू S1, तो यहाँ पे एंट्री बनेगा। अगर मैं कंसिडर करता हूँ कि VWAP के ऊपर 20,450 एंट्री होता है, क्यों मैं बोल रहा 450, क्योंकि ये इन दी मनी अपनाएगा 20,471 के पास प्राइस अगर होगा तो यहाँ पे अगर आपका एंट्री होता तो ये कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे तो ये जो चार्ट था ये 60 रुपीज़ पे था, और मार्केट ने ये जो हाई लगाया है ये मार्केट हाई लगाया है 140 के पास। क्या इसमें कोई अलग कॉन्सेप्ट यूज हुआ है, क्या इसमें कुछ अलग तरह से स्ट्रेटजी यूज हुआ, कुछ नहीं हुआ है, नॉर्मल CPR है और ट्रैप है, ट्रैप स्ट्रेटजी जो आपको फाइंड करना है। अब मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे ले जाकर, अब मैं समझाने की कोशिश करता हूँ कि ये और आपको कन्फर्मेशन कैसे देता है, और हमारा जो सिंपल ट्रेड इंडिकेटर भी वो भी कैसे आपको यहाँ पे हेल्प कर सकता है। जैसे आप यहाँ पे देखोगे ना कि हमारे पास यहाँ पे लेवल है, यहाँ पे लेवल है L3, कहाँ पे लेवल है L3, प्रीवियस चलो S1 पे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट करेगा। कल भी देखो L3 से मार्केट क्या किया था सर, मार्केट यहाँ से रिवर्स किया था L3 से, यहाँ S3 है, मार्केट S3 से रिवर्स कर रहा। और भी मैं आपको दिखा देता हूँ लेवल पे, यहाँ अगर आप देखोगे यहाँ भी हमारा लेवल है तो मार्केट यहाँ से रिवर्स कर रहा। तो CPR कैमरीला बहुत अच्छा वर्क करेगा, बस आपको इसे यूज़ करना आना चाहिए। जब भी CPR में, CPR के अंदर कैमरीला वगैरह कोई भी लेवल हो तो अच्छा ये वर्क करेगा, और आपको इसमें वर्क करता हुआ दिखना चाहिए। अब अगर मैं इसमें आपको थोड़ा एडवांस बताने की कोशिश करूँ, ठीक है, एडवांस बताने की कोशिश मतलब कि आप ट्रैप तो फाइंड कर लोगे, आप अपना एंट्री कैसा करोगे और स्टॉप लॉस कहाँ पे लगाओगे। अब मान लीजिए कि मैं बात करता हूँ कि जब मार्केट इधर से ऊपर जाने लगा, मान लीजिए कि मैं बात करता हूँ इस चार्ट का, मैं बात करता हूँ, ठीक है सर, यहाँ मार्केट एक डेलो बनाता है, जो भी CPR यूज़ नहीं कर रहे होंगे इधर वो पुट बाई किए होंगे, लेकिन हमारे पास CPR है। CPR कौन सा है, वाइट CPR है, हमें पता है कि मार्केट यहाँ साइड वे हो सकता है, मार्केट कभी भी रिवर्स कर सकता है, साथ में हमें पता है यहाँ पे L3 लेवल है कैमरीला का, जहाँ से मार्केट कभी भी रिवर्स करेगा और अच्छा खासा पॉइंट जो हमारा गेन में रहेगा उसे लॉस में कन्वर्ट कर सकता है, ठीक है सर। अब क्या हुआ, जब लो में यहाँ पे सेलर्स आए, सेलर को मार्केट ने एंट्री करवाया, मैक्सिमम कैसल कहाँ पे, यहाँ पे CPR के ऊपर मैक्सिमम लो कैसल है। अब कैंडल आता है नीचे आता है, यहाँ पे आपका 1 मिनट टाइम फ्रेम पे भी आप लगा सकते हो, इस कैंडल में आपका एंट्री हो जाना चाहिए था, इस कैंडल में आपका एंट्री हो जाना चाहिए था, छोटा सा आपका स्टॉप लॉस पड़ता, टारगेट आपका क्या होता, कहीं ना कहीं इधर तक आपका डेहाई तक पहला टारगेट होना चाहिए, क्योंकि मार्केट यहाँ कंप्लीट करके दे दिया। तो ये सारा चीज़ है। अब मैं आपको बताता हूँ इसी चीज़ में इंक्लूडेड क्या है, 3 PM स्ट्रेटजी। 3 PM स्ट्रेटजी ऐसा स्ट्रेटजी है जो लोग ट्रेड करते हैं और बड़ा बड़ा प्रॉफिट देखने का वेट करते हैं कि बड़ा प्रॉफिट होगा, ऐसा होगा, ऐसा होगा। आज 3 PM काम किया कि नहीं, और CPR के अकॉर्डिंग काम किया नहीं, वो भी मैं बात करने वाला हूँ। और किसमें बात कर रहा हूँ, FinNifty में, क्योंकि आज पूरा वीडियो डेडिकेटेड मैं दे दिया हूँ FinNifty के ऊपर, क्योंकि आज FinNifty का एक्सपायरी था और बहुत लोग बड़े बड़े पैसा बनाए भी, इसलिए मैं सोचा इसके ऊपर थोड़ा बात करता हूँ। अब देखिए 3 PM का आप कैंडल खोजो सर, 3 PM का कैंडल ये बना हुआ, मार्केट ऊपर गया है, मतलब कि यहाँ पे आपको पता चल चुका है, यहाँ पे आपको पता चल चुका है ये क्या हो गया है, मार्केट यहाँ पे डोजी कैंडल बना रहा है, प्रीवियस डे हाई R1 से मार्केट रिजेक्शन ले रहा है, जहाँ पहले ही मार्केट रिजेक्शन लेकर आया था, मतलब कि 3 PM से पहले ही 255-256 में आपको मार्केट ने यहाँ पे एंट्री दिलवा दिया पुट की तरफ, और ये जो मोमेंटम किया है वन साइड बड़ा मोमेंटम यहाँ पे करके दिखाया। तो ये मूव को कैसे आपका कैप्चर कर सकते थे, आपको कुछ नहीं करना था, सिंपल ये देखना था हिस्ट्री में मार्केट यहाँ पे क्या किया था इस लेवल पे, इसका ब्रेकडाउन के बाद मार्केट नीचे गया था, फिर से मार्केट यहाँ पे आएगा तो सेम वैसे रिएक्ट कर सकता, और मैं यहाँ पे पुट बाइंग के लिए देखूंगा। ये दो कॉन्सेप्ट हुआ। अब मैं बात करता हूँ कि सुबह सुबह जो मार्केट गैप अप ओपन हुआ उसके बाद लोगों ने क्या किया, और बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिस करने के बाद वो लोग लॉस में क्लोज किए। कैसे किए, मार्केट नीचे आया, जब मार्केट CPR पे सपोर्ट लिया तो CBY करने लगे, और मार्केट फिर से नीचे आया, फिर से CBY किए, मार्केट फिर से नीचे गया, फिर से CBY किए, मार्केट फिर से नीचे गया, फिर से CBY किए, और हमारा व्यू आज पूरे दिन के लिए नेगेटिव था। ठीक है, हमने स्ट्रीम कहाँ पे क्लोज किया था, हमने स्ट्रीम यहाँ पे क्लोज किया था, इससे पहले मार्केट नेगेटिव था, इससे पहले हम लोग भी नेगेटिव थे,
यहाँ से मार्केट ऊपर गया, जब हमने स्ट्रीम यहाँ पे क्लोज किया उसके बाद मार्केट यहाँ से ऊपर जाना स्टार्ट कर दिया था। तो आपका व्यू मार्केट में क्लियर होना चाहिए, आपको समझ में आना चाहिए आप कैसे ट्रेड करते हो, रिस्क मैनेजमेंट आपको आना चाहिए कि रिस्क आप कैसे मैनेज करके ट्रेड करोगे। और रही बात कि स्टार्टिंग में, तो अगर यहाँ पे आप देखोगे मार्केट नीचे आता है, ये पैटर्न बनाकर मार्केट नीचे जा रहा है, तो आपको क्या समझ में आ रहा है, सेल ऑन राइज, जब भी मार्केट ऊपर जाता है तो सेल करना है, ठीक है। एम पैटर्न यहाँ बना था, हमने यहीं पर ट्रेड बनाया था और अच्छा खासा प्रॉफिट यहाँ पर निकला था। तो बाकी अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, स्ट्रेटेजी समझ में आएगा, एकदम सिंपल सा स्ट्रेटेजी में बताया हूँ, तो वीडियो लाइक कर दें, चैनल सब्सक्राइब कर दें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।